हिंदुस्तान का आखिरी गांव, हाँ लास्ट विलेज। छिटकुल छिटकुल है, छिटकुल छिटकुल में आ गए हैं, छिटकुल में स्वागत है। अभी हम अपना ढूंढ रहे कैंप, ये वाले रास्ते से जाना है। हमारा कैंप उधर है, हो रहा कैंप दिखाते हैं। ये वाला कैंप है हमारा, मेरी उंगली कहाँ गई, हाँ ये सामने। और ये गंगा जी जा रही है, बस पारी पर जिसे बोलते हैं। और जाना है हमें नीचे, उसके लिए रास्ता ढूंढ लिया है जाने। बस ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, मौसम चेंज हो गया सडनली। अभी तक इतनी तेज़ धूप हो रही थी, बट अभी तो हालत ख़राब है, मेरे नाक भी बहने लगे। जाएंगे चेंज करेंगे, थोड़ा कैंप में बैठेंगे, ऊपर आके चिल आउट करेंगे, लास्ट ढाबा में कुछ खाएंगे पिएंगे, फोटो सेशन होगा, थोड़ा ब्लॉग शूट होगा, उसके बाद देखते हैं। ओहो कितना ठंड है। बहुत ध्यान से आना, बहुत वैसा है रास्ता। हाँ इतना भारी बैग लेके घूम रहे हम लोग, पिट्ठू बैग लाना था, फैशन में लेके चल रहे। ध्यान से, हाँ पत्थरों पे पैर रखो, बड़े वाले पत्थर पे। चलो ध्यान से इधर भी। ये रहा रास्ता, यहाँ जाएंगे हमारे कैंप के लिए। अपने काम पे बस वही दिक्कत है, हमारा सिम जो है ना तो जियो है ना तो बीएसएनएल है, हम कॉल ही नहीं कर सकते, हमारा कैंप कहाँ है। और हल्की हल्की बूंदेबारी हो रही है, बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। कैंप के साइड जा रहे, देखते हैं कहाँ है कैंप, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा लोगों से। उनको बेचारा थक जा रहा, इधर थोड़ा रोड का वैसा है ना, मतलब रोड तो नहीं है इधर, तो ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब सजेस्ट करूँगी जो भी आए ना, अपना बैग पैक करके आए, ये ना लेके आए लगेज, ये बड़ा दिक्कत दे रहा है हमें। यहाँ से कैसे क्रॉस करोगे, पानी है तो पैर डाल के चले यहाँ से। रुको मुझे जाने दो, यहाँ कैंप ही कैंप है, हमारा कैंप कहाँ में नहीं पता चल रहा है, मेरे को क्या पूछने। ये बोन फायर के लिए बनाए बट हमारे कैंप में नहीं है क्या, मेरे को इधर से रास्ता। अच्छा क्रॉस करना है इसको आराम से, एडवेंचर है यार, रास्ता नहीं ऐसे ही आना। हाँ चलो चलो, हाँ नहीं नहीं बैठ के कूदना, बैठ के, हाँ
अभी यहाँ जाना है हमें और आगे। चले हम तो जन्नत में आ गए, पता नहीं कौन सी जन्नत है ये, चितकुल का जन्नत। वो डुग्गी हमें रास्ता दिखा रहा है। चलो चलो आई चलो। हाँ लेके जा रहा है हमें रास्ता दिखा रहा है। रुक जा रहा है, हम रुक रहे हैं तो फिर लेके जा रहे इधर से चलेंगे। कहाँ रास्ता है? चलो मिल गया हमारा काम। ये रहे सामने देवरतन जी। वापस जाओ, वापस जाओ, हम लोग आ गए, जाओ। ओ भाई अंदर तक जाओगे क्या कैंप में? हम लोग आ गए, तुम जाओ जाओ जाओ। ये रहा हमारा टेंट। कॉफी दे दो आप। हाँ हाँ भाई साहब जाओ, हम आ गए हैं गंदर घर में अपने। सुनेगा नहीं ये लड़का। तो गाइज ये हमारा टेंट कितना सुंदर है, और रिवर के सामने ये पूरा। और ये जो सामने वॉशरूम है अभी ओपन नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है। ये लाइट वाइट का बिजली का सामान रखा है। ये रहा हमारा सामान, जो हमने वहाँ खोल दिया। मस्त है यार उनको खोलना वॉशरूम। दिखाना ये रहा वॉशरूम, इसको नहीं गिरा सकते। हाँ ऐसा है। तो ये रहा हमारा कैंप, बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे बाहर की साइड, फिर व्यू दिखाऊंगी आप लोग को। कॉफी आ गई हमारी गर्म गर्म, हवा रुकी नहीं रही है यहाँ पे, इतनी तेज चल रही है। अभी दिन के 3:15 हो रहे हैं और मौसम का तो मजा बता नहीं सकती। जैकेट वैकेट हमने सब निकाल लिया है, बस थोड़ा सा रेडी हो कैसे जा रहे वॉक करते करते उधर देखने। तो अभी हम जा रहे हैं चितकुल का लास्ट ढाबा, हिंदुस्तान का लास्ट ढाबा चितकुल का, हमारे चितकुल गांव का। भाई इतनी ठंड है यहाँ, मेरे को जा रहा आईडी देने। अभी देख लो आप लोग, इधर बोन फायर होती है रात को, मजा आएगा। बाकी तो इधर का दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत आपको, बहुत सुंदर है। अरे हाँ चल रूंगी, जा रही ढाबे की ओर। हालत खराब हो रही है ठंड से यहाँ पे। ओह क्या व्यू है। चितकुल का लास्ट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। हमारी सांसें तो अभी से ऊपर नीचे हो रही हैं, ये पूरा कवर करना है, पूरा ऊपर तक जाना है ढाबे के लिए, क्योंकि रास्ता पूरा अंदर से जाना था, पॉसिबल नहीं है। हम वहाँ से आए थे, वहाँ से दिख भी नहीं रहा है। ऐसे अच्छा यही से चलो। चितकुल कैफे, यहाँ पे चितकुल कैफे, और ये यहाँ से एंट्री है ना। हाँ लास्ट विलेज, अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना, उस पॉइंट पे, वो जो ढाबा है, ढाबा लास्ट ढाबा। ये यहाँ पे फ्लावर की खेती हो रही है, फ्लावर सारा बाहर एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पे सारा इन्होंने हार्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे चल रहा है।
ढाबे को खाली होने का इंतजार करें क्योंकि काफ़ी भीड़ है, लोग खाना खा रहे हैं और पीछे का व्यू देखो, भूख बहुत लग रही है, मेरे को लालच आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ कब ये लोग खा के उठे और हम जाए नीचे। और मिंकुआ बैठा इधर, ये देखो ये सारा गांव है और ये नीचे लोग खा रहे हैं, और खाली होगा तो हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सारे राइडर्स हैं जिसकी फोटो ले रहा है मिंकु, मस्त। हाँ मैं एक में राजमा हटा देना, दो प्लेट चाहिए, एक में राजमा नहीं चाहिए, एक में कढ़ी चाहिए, एक में राजमा। तो अभी हम हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में और हम अपना खा रहे लंच। मैंने ऑर्डर किया है कढ़ी चावल और मिंगू के लिए राजमा चावल, कभी भैया लेके आ रहे हैं, बाकी राइडर्स चले गए अपने राइड पे मस्त मजा करने। बता रहे थे 10 से 12 दिन का ट्रिप है उनका घूमने का, पूरा सर्किट घूमेंगे, स्कूटी तक जाएंगे फिर मनाली को बताने का। आ गया हमारा कढ़ी चावल, इसका राजमा चावल खाते हैं। हमारी चाय भी आ गई, चाय भी पीना है हमें, मिंकू के लिए नहीं आया। खा लिया मस्त फुल पेट करके, हम निकल रहे हैं यहाँ से आखिरी ढाबा से। अच्छा आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, जितने राइडर्स आते हैं ना अपना अपना ये लगा के जाते हैं टैग, ये देखो पूरा बोर्ड भर दिया है, ये निकाला ना क्वांटिटी पूरा 11,323। हाँ अबव सी लेवल ये। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएंगे, देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जो अच्छा दिखता है आप लोग को दिखाते हैं, बाकी हम खुद अपना इंजॉय करते हैं। लास्ट हाँ यार लास्ट स्कूल के बच्चे हैं ये हमारे हिंदुस्तान के लास्ट स्कूल। हम लोग आ गए अपने कैंप साइड की साइड, कैंप हमारा इधर है और सूर्य देवता अस्त हो रहा है, और इधर है बासपा रिवर, इधर से चलूँ, ठंड बहुत है यहाँ। अगर किसी को प्लान करना है ना आने के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सितंबर में आओ, ये बेस्ट, हाँ सितंबर अक्टूबर बेस्ट मंथ है, हम तो अपना मन के हिसाब से इंजॉय कर रहे हैं सितंबर में आके, तो घूम रहे इधर से उधर।
मेरी हालत ख़राब हो रही है ठंड में। जैकेट, स्वेटर, उसके अंदर एक और स्वेटर, ये स्टोर रूम की कान बंद करने के लिए। हमारा खाना लग गया है, मिक्स वेज, दाल, राइस, पापड़, चिकन, सैलेड, रोटी, गर्मा गर्म खाएंगे और खा के सो जाएंगे। बहुत ठंड है यहाँ, पूरा खाना सपा चट कर दिया हमने। खाना तो अल्टीमेट, सबसे बेस्ट खाना है, मज़ा आ गया। अल्टीमेट खाना बनाया इन्होंने, मस्त मस्त खाना खा के आ गया। लेकिन हाथ सुबह आ जाएंगे, हाथ धोने के टाइम पे ना हालत ख़राब हो गई। चलो हम लोग जाते हैं सोने, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।